अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल मसाला भिंडी। हमने 1.5 किलो भिंडियाँ ले ली है और इसको बीच से स्लाइड कर लिया धोकर। 2 टेबल स्पून सौंफ है, इसको हमने ग्राइंड कर लिया मिक्सी में। ये कुटी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। धनिया पाउडर है 2 टेबल स्पून। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून और 2 पिंच हल्दी। नमक टेस्ट के हिसाब से। ये 4 हरी मिर्चियाँ बीच से हमने काट ली और ये ज़ीरा पाउडर। दही है 1 कप। टमाटर प्यूरी, अदरक लहसुन पेस्ट। ये 4 प्याज है, हमने इसे फाइनली चॉप कर लिया है। ये 1/2 कप ऑयल है, तो हम इसे कढ़ाई में डालेंगे, आधा बचा लेंगे। ये प्याज को हम फ्राई करने के लिए तेल में डाल देंगे, तेल के गर्म होते ही। हम इसे चला लेंगे 20 पॉइंट पे। हम ये लाल मिर्च डाल, हरी मिर्च डाल देंगे। अब हम ये भिंडियों को इसमें तलने के लिए डाल देंगे। भिंडियाँ और प्याज हो गई है गोल्डन ब्राउन, प्याज हो गई है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब हम वो बचे हुए तेल में राई डालकर फ्राई थोड़ी हो जाए तो हम ये जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल देंगे। हम सूखे मसाले अपने इसमें डाल लेंगे। हल्के हाथों से चलाएंगे, तो 30 सेकेंड के लिए सौते करेंगे। टमाटर प्यूरी डाल देंगे इस पॉइंट पे। तो ये अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। देखो हमारे मसाले हो गए हैं, हम इसमें दही डाल देंगे। एक जगह डाल के इसे इस तरह चम्मच से हिलाएंगे कि ये मिक्स भी हो जाए और फटे भी नहीं। सिम हम कम ही रखेंगे। हमारे मसाले हो चुके हैं, अब हम ये भिंडियाँ इसमें डाल देंगे। हल्के हाथों से चला लेंगे। ये गरम मसाला पाउडर है, लास्ट में हम इसमें डाल देंगे 1/2 पिंच। कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे, हमारी भिंडियाँ गल गई। ये देखिए, ये हमारी भिंडियाँ तैयार है रेस्टोरेंट स्टाइल। आप इस तरह से बनाइए, आपको अच्छा लगेगा। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।